श्रद्धा का प्रतीक माँ शीतला धाम पर नवरात्रि के समापन पर सदर विधायक की तरफ से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। मैनपुरी में माँ शीतला धाम पर नवरात्रि के आखिरी दिन हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ देखने को मिली तथा भक्तों ने माता के चरण कमलों का आशीर्वाद दिया। आपको बता दें हर वर्ष की बात, इस वर्ष भी मैनपुरी सदर विधायक राजकुमार उर्फ राजू यादव के द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया और माँ शीतला माता के दर्शन करते हुए वापस घर गए। वहीं पर श्रद्धालुओं और सदर विधायक ने जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें आए हुए सभी श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया और कहा कि माता के आशीर्वाद से विशाल भंडारे का आयोजन किया जा सका है। कहा कि माँ शीतला हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखे ताकि हर साल लोगों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो। इस दौरान माँ काली मंदिर के पुजारी ने बताया कि आज सुबह से ही हजारों की संख्या में भक्त पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए तो कानून व्यवस्था मंदिर परिसर में ढोलमोल दिखाई दी, जिसके चलते कई महिलाओं के पास और मोबाइल भी चोरों के द्वारा छीन लिए गए तथा इस दौरान मंदिर परिसर के बाहर बने अतिथि गृह पर भी काफी संख्या में कूड़ा कचरा पड़ा हुआ देखने को मिला। ये जानते हैं पूरा मामला क्या है। मैनपुरी से देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सर, हर साल की बात है, इस साल भी भंडारे का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे सर? माता रानी को कोट कोट धन्यवाद देना चाहेंगे जी, उनकी कृपा से महामारी के बाद ये भंडारा पुनः शुरू हुआ है। 2013 से प्रारंभ किया था और सबके सहयोग से ये भंडारा चल रहा है और 15 कुंटल का संकल्प होता है हर वर्ष जी। आज भी 15 कुंटल का संकल्प है और हमें खुशी है कि बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें 9 दिन का व्रत है। देखो 9 दिन के बाद ही अपना व्रत खोल रही है, जब उसकी फोटो लीजिए आप, अपना व्रत यही तोड़ रही है। हमें खुशी है कि भंडारे में कई हजार हमारी बहनें व्रत खोलेंगी। शीतला यहाँ एक मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर आज दर्शन करने आए हैं, कितनी भीड़ थी श्रद्धालुओं की? भीड़ काफी थी लेकिन यहाँ दर्शन बहुत अच्छे हुए। अच्छा। किस तरह की लोग श्रद्धालु लाइन में लग के दर्शन कर रहे थे, कैसे भीड़ किस लाइन में लग के कर रहे थे? अच्छा। कितनी भीड़ थी कैंपस के अंदर माता रानी के दरबार में, कितनी भीड़ थी? बहुत भीड़ थी। तो मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं की संख्या में भीड़ है अंदर कैंपस के अंदर। कहाँ से आना हुआ मैम आपका? नागपुर महाराष्ट्र। अच्छा। नीचे। क्या नाम है आपका? आचार्य गीतनलाल जी। गीतनलाल जी, नवरात्र का जो आखिरी दिन है, आप पूजा अर्चना किस तरह की हो रही है, किस तरह श्रद्धालुओं की भीड़ देख रहे हैं? तो लगभग रात्रि की 2 बजे से ही प्रारंभ हुई है, 4 बजे प्रातः आरती हुई है, दर्शन तक लगातार कतार लगी हुई है और असल में भीड़ है। कितने श्रद्धालु लगभग सुबह से अभी तक दर्शन कर चुके हैं माता रानी? अभी तक सुबह से लगभग 40,000 श्रद्धालुओं का आना हो सकता होगा। कैसी है मंदिर परिसर में आपके द्वारा या प्रशासन द्वारा किस तरह की व्यवस्था लागू की गई? व्यवस्था ठीक है, बहुत अच्छी चल रही है, पूरा ये पुलिस की व्यवस्था और अच्छी चल रही है। कोई घटना भी देखने को मिली है? आज किसी का पर्स निकाल लिया है जी और एक मोबाइल।